please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के मेरठ में खरखोदा थाना इलाके में भीषण आग जलती दिखाई दी। आरोप है कि यह आग एक शादी समारोह में हुई आतिशबाजी की वजह से आसपास की झुग्गियों में लगी, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए। आग इतनी भीषण थी कि इसकी चपेट में सैकड़ों झुग्गियां आ गई। इन झुग्गियों में रहने वाले लोग जैसे तैसे अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। कितने के घरों में आग लगी है? कम से कम 250 हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जिस जगह ये घटना हुई वहाँ एक बारात घर में शादी समारोह चल रहा था। आरोप है कि इसी बीच की गई आतिशबाजी से ये आग झुग्गियों में लगी। इस हादसे के बाद बेघर हुए लोगों की मदद के लिए इलाके के कुछ लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने इन लोगों के ठहरने और खाने का इंतजाम किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक नदी के पास बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पुलिस के कुछ हथियारबंद जवान दिखे। ये जवान नक्सलियों के खिलाफ बनी C-60 कमांडो फोर्स के कमांडो थे, जिन्होंने एक मुठभेड़ में 16 नक्सलियों को मार गिराया, जिसके बाद पुलिस के C-60 कमांडो फोर्स के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर मौके से फरार हुए नक्सलियों की तलाश शुरू कर दी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में छत्तीसगढ़ का ये सीमावर्ती इलाका, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का ये सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ बॉर्डर है। पुलिस के मुताबिक उसकी कमांडो फोर्स ने तब सर्च ऑपरेशन शुरू किया जब जंगल के इस इलाके में नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली। उस एरिया में अचानक हमारे पुलिस पार्टी की फायरिंग हो गई तो ये नक्सलियों की तरफ से फायरिंग की। पुलिस ने दावा किया कि कमांडो फोर्स ने नक्सलियों के हमले के जवाब में फायरिंग की, जिसमें नक्सलियों के दो बड़े कमांडर भी मारे गए। और मारे गए कमांडरों में नक्सलियों की डिविजनल कमेटी के मेंबर श्रीनिवास और साईनाथ भी शामिल है। श्रीनिवास पर अलग अलग राज्यों ने कुल मिलाकर 75 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। इसलिए माओवादियों के खिलाफ हुए इस ऑपरेशन को बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है। यहाँ कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। अब देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो मृतदेह नक्सलियों के जो शव है वो ले जाने के लिए एक ट्रक लाया गया है। हालांकि शाम होते होते इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन रोक दिया गया। वहीं नक्सलियों के खिलाफ मिली इस बड़ी कामयाबी पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी खुशी जाहिर की। नक्सलवाद की घटनाओं में बहुत ही कमी आ गया, लेकिन गढ़चिरौली में नक्सलियों को मार गिराने वाली कमांडो फोर्स शांत नहीं बैठी और नए ऑपरेशन की तैयारी में जुट गई। पाकिस्तान में पश्तून समुदाय के लोग अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ सड़क पर उतर आए, जब लाहौर में बड़ी संख्या में पश्तून लोगों ने हाथ में काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया। ये लोग पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के रवैये के खिलाफ सड़क पर उतरे। इन लोगों की मांग है कि जिन पश्तून समुदाय के लोगों को आतंकवादी बताकर गिरफ्तार किया गया उनको रिहा किया जाए। वालिदैन के बेटों का हिसाब मांगा जाएगा। यूपी के इलाहाबाद में एक मकान के अंदर एक लड़की चेहरा ढके हुए परिवार के साथ बैठी नजर आई। आरोप है कि लड़की को स्कूल जाते वक्त रास्ते में एक लड़का छेड़ता था, जिससे डरकर लड़की ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन आरोपी लड़का पीड़ित लड़की के घर पहुंच गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा, जिसका विरोध करने पर लड़की के भाई को चाकू मारकर घायल कर दिया। हमें स्कूल जाते वक्त वो छेड़ता है और कहता है मेरे से बैठो, हम नहीं बैठते, जबरदस्ती हमको धमकी दी देता है। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 महीने से परेशान पुलिस पे, एप्लीकेशन देता हूँ, फिर कहते पूरा एप्लीकेशन दो, फिर कहते एप्लीकेशन दो, अरे एप्लीकेशन दो, मेरी रिपोर्ट तो करो। मामले को बढ़ता देख SSP ने दखल दिया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच तेज कर दी। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े को धमकी मिली। कर्नाटक के सिरसी में केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने धमकी मिलने के आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया। मध्य प्रदेश के बैतूल में आरोप है कि एक आदमी ने रेप में नाकाम होने पर महिला पर चाकू से कई बार करके घायल कर दिया। यूपी के आगरा में 2 लड़कियों की आपस में शादी करने के बाद उनके परिवारों ने थाने में जमकर हंगामा किया। यूपी में मथुरा के पास हाईवे पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार सवार लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई। बिहार के बगहा में पुलिस ने एक ऑर्केस्ट्रा संचालक के ठिकाने पर छापा मारकर पंजाब से डांस करवाने के मकसद से लाई गई 5 लड़कियों को आजाद करवाया। यूपी के मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने आगरा में ताजमहल का दीदार किया। यूपी के प्रतापगढ़ में सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर दिखा, जिसके बाद सड़कों की मरम्मत और सरकारी दफ्तरों की सफाई की गई। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने SP-BSP गठबंधन को केंद्र और राज्य सरकार के लिए खतरा बताया। ये दोनों जब एक हो जाएंगे
तो इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी को अब तो परेशानी बढ़ गई है। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर, कारोबारी रतन टाटा और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने सुप्रीमो क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी लॉन्च की। जम्मू कश्मीर से सामने आए एक वीडियो में हिज्ब का टॉप कमांडर समीर टाइगर दूसरे आतंकी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता दिखा। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बल ने आतंकियों के ठिकाने पर छापा मारकर बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। मध्य प्रदेश के सिवनी में दो भाइयों की सेल्फी लेने के समय डैम में डूबने से मौत हो गई। केरल की कोची में आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारकर 20 किलो भांग के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान को दलित समुदाय में पैठ बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस की कोशिश है कि संविधान बचाओ अभियान के जरिए दलित समुदाय के कथित उत्पीड़न और SC/ST एक्ट को कमजोर करने को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला किया जाए। सुबह 11 बजे से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम में कांग्रेस के मौजूदा और पूर्व दलित सांसद, विधायक, जिला पार्षद भी मौजूद रहेंगे। संविधान बचाओ अभियान के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस मुहिम को जमीनी स्तर तक ले जाने के निर्देश भी दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कण कण में दलित विरोधी मानसिकता कूट कूट कर भरी है। पहले हिंदू और मुसलमान को लड़ाना उनका एजेंडा था और अब 2019 के चुनाव में दलित आदिवासी और गैर दलित गैर आदिवासी को लड़ाना उनका अगला एजेंडा है। परंतु कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी उनको इस षड्यंत्र में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा भले ही कानूनी मामलों में उलझा हुआ है, लेकिन जल्द ही बिहार के सीतामढ़ी में सीता मंदिर बनेगा। उम्मीद है कि 24 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सीतामढ़ी दौरे पर सीता मंदिर के निर्माण का ऐलान करेंगे। सीतामढ़ी के पुनौर धाम में 17 अप्रैल से ही जानकी महोत्सव चल रहा है। उम्मीद है कि अपने दौरे पर नीतीश कुमार पुनौरा धाम को पर्यटक स्थल बनाने का भी ऐलान करेंगे। बीजेपी ने बिहार सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। करोड़ों लोगों की श्रद्धा कौन सम्मान दे सके, इसलिए बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है और इससे पूरा राम सर्किट जो है वो कंप्लीट होता है। तो इसके लिए बिहार सरकार को बहुत बहुत बधाई। बिहार सरकार के द्वारा जो निर्णय हुआ है, कैबिनेट ने निर्णय ली है, यह बहुत ही अच्छा है, बहुत स्वागत योग्य है। सीता मैया के उस स्थान से बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान की संस्कृति की एक बहुत ही महान उदाहरण है और वह पवित्र स्थल पर मंदिर बनना एक तरह से कहिए कि नारी सम्मान जैसा है। सवाल ये उठ खड़ा होता है कि आज सीतामढ़ी को लेकर जब पार्लियामेंट में एक सवाल होता है कि सीता माँ का जन्म वहाँ पर हुआ था कि नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब देती है। उनके जो कल्चर मिनिस्टर हैं वो कहते हैं एक काल्पनिक कैरेक्टर थी सीता माँ, तो सीता माँ की आस्था और सीता माँ का लोगों में जो विश्वास है, आप उसको दरकिनार कर उनको काल्पनिक बताना, वो मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं सरकारों का और भारतीय जनता पार्टी और JDU का जो अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है उसको दर्शाता है। यह तो शुभ संदेश है, अशुभ संकेत हम लोगों के हैं पूरा जानकी जी की तरफ से, जानकी मंदिर ट्रस्ट के तरफ से, पूरा भारत और उसके सभी साधुओं के निमंत्रण दिया गया है। जानकी जी के निमंत्रण को हम लोग जा रहे हैं। 24 तारीख के उत्सव में मैं भी पधार रहा हूँ और यह कार्य के लिए वहाँ के सरकार के, वहाँ के जनता को धन्यवाद देता हूँ कि राम मंदिर से पहले राम मंदिर बनाने के लिए मैं वहाँ से माता जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करने जा रहा हूँ। देखिए वो दूसरा राज्य है, बिहार है, और जब तक किसी प्रांत के मुख्यमंत्री किसी राज्य के लिए तत्पर नहीं होता है तब तक वो समुचित रूप से विकसित नहीं हो पाता। वहाँ के मुख्यमंत्री इस प्रकार की उनकी भावना है जिससे कि सीतामढ़ी का विकास हो, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री के वो जिज्ञासा राम मंदिर में नहीं है।